ढाका से लई को सीताधारी, तो रावण ने छल करके सीता को हर लिया था, उसमें शक्ति वाला कोई काम नहीं था। बोल कैसे बिठाए जाते हैं, उसमें कोई शक्ति का नहीं था, अगर शक्ति होती तो लक्ष्मण रेखा को पार करके सीता को ले जाता, उसको बोलते शक्ति। वो तो छल से उसको बाहर बुलाया और सीता को हर लिया। एक दो बोल रहेंगी क्या, उसके बाद गमन। हाँ लो, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, आवाज कम करवा रहे हो। दरे दर दर दारा दरे दार निमाड़ी बोल देखिए कैसे मिलाए जाते हैं, कि आयु मस्ती स्वयंवर मगदड़ो भुक्यो, अरे शिव धनुष का जरा भी उठैली सक्यो।
ना हलवाई छैन धनुष पर धरी भाई तू खलाज वहां थारी माए मरी कसी वो तारा बे आयो भागी न वहां तू जरा नी रुक्यो आयो भागी न वहां तू जरा नी रुक्यो धनुष उठो नी वहां तू न टोंगड़ियो टेक्यो सही बता रहा है। हाँ सही बता रहा है। माँ तो है नहीं
जैसा ऐसा बता रहा है नाम चलने दो। आपका नाम? मेरा नाम लाड़ा। सही में? हाँ सही में। और आपका नाम? मेरा नाम? हाँ हाँ। मेरा नाम है बोर करने वाला। क्यों रे, ये सही बता रहा? हाँ सही बता रहा। हमारे तरफ गांव में ऐसा हुआ, जमीन सूखी पड़ गई थी, कहीं नहीं था, धड़ा मड़ा था, मैं एक मशीन ले आया था, उसके कारण मेरा नाम बोर करने वाला। अच्छा, तो आपका नाम बोर करने वाला? हाँ। और आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम? हाँ हाँ। आड़ा करू की खड़ा। क्यों रे, ये सही बता रहा ना? हाँ सही बता रहा हूँ, हमारे बाप बेटों का नाम है जैसा है। अच्छा, सही में? बिल्कुल। अरे वाले, तुम तो फिर बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे हो। बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम्हें प्रार्थना आती है? जय है भारत दाता। क्यों रे, आपको कुछ आता है? मेरे को भी आता है। चलो आप सुनाओ तो बोला। अबे तू तो जसो सो कहीं ना निपटी गयो, मैं हाँ काई करूँ मैं। अबे हेयर कर, तू भी जल्दी हेयर कर। जय गण मन अधिनायक जय है। अरे वाह बच्चे, असत कहे थी ना। हाँ हाँ, सही बात है। अब प्रार्थना अपना कभी गाँव नहीं पड़ेगा। जन 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 भादव महीना तो जन। अरे वाह, कभी उंडाला तो जन तो भूख ज मर। भारत भाग्य भाग्य तो हाथ नहीं आवे। जय हिंद जय भारत। अरे वाह, एक काम करो। हाँ, अबे रोटी की क्या मिल रही? रोटी मांग दे। अरे रोटी नहीं रे। एक काम करो, दो बज गए, अब खाना खा लो। खाना नहीं मैडम। क्या हो गया? बहुत देर हो गई तुम्हारी 3-5 सुनते सुनते। हमको मालूम है नरेंद्र मोदी ने बहुत योजना निकाली है। अरे बताओ तो सही, क्या योजना निकाली? अभी हमको पता चला है कि आंगनवाड़ी होने में दूध आ रहा है। अरे पागल है तू, दूध कहाँ से आता है? दूध आता है कि हम तो दूध, सरकारी दूध आता है। हमको दूध चाहिए मैडम, हमको मैं दूध फिराओ। अरे नहीं नहीं, मैं ना मैं नाश्ता भी खिलाऊंगी और पेट भर के भोजन पिलाऊंगी। वो नाश्ता तो हम पेट भर के करेंगे, पहले दूध पिलाओ। सरकार दे रही है तो उसका भरपेट आनंद लेंगे कि नहीं? अरे पागल, मैं दूध कहाँ से लाऊंगी स्कूल में? दूध कहाँ से लाएगी तू? कहीं से भी दूध ला, हमको दूध पिला। एक बात बता, पूरे स्कूल में देखो दूध तुम्हें दिखाई दे रहा? क्या भाई दूध तुम्हें दिखाई दे रहा है? पूरी स्कूल में देख लिया, दूध दिखाई दे रहा है। कितना पागल लड़का है रे, इसे का दूध दिखाई दे रहा? एक काम करो, आज है ना, मैं तुम्हें खीर पूरी खिलाऊंगी। खीर पूरी मोर पूरी रहन दो, तुम सीधी सट दूध पिलाओ। बहुत पागल है रे, बताओ तो कहाँ है दूध? वो उसकी नजर में है दूध। वहाँ है दूध। कहाँ है? देखो तो बोला। वो है। अरे नहीं है बाबा। मत चुतिया बना हुआ दाम का। वो है दूध। बहुत जिद्दी बच्चा है रे, मैं स्कूल में दूध कहाँ से लाऊंगी? सरकार दे रही है तो फिर पिला दूं, तुम क्या तुम्हारे घर से दे रही हो? अच्छा बताओ कहाँ है दूध? वो है दूध। अरे नहीं नहीं, अरे ये तो मेरे गले का हार है। तुम्हारे गले के हार के नीचे है दूध। बहुत पागल है तू, मैं तो इनने क्या गलती की है? अरे इन्होंने बहुत सारी गलती की। कौन सी गलती की? अरे पूरे स्कूल को तोड़ डाली और बच्चों को बहुत मारते हैं। कहाँ स्कूल का तोड़ी? खाली 2-3 खिड़की ने तो मोड़ी थी। अरे भाई ये बहुत बड़ी गलती की है मैडम ने। अरे भाई ना बात ना करना है, होगा घेर तो जाओ ना, तुम्हें गाँव को सरपंच आए कि काया है? वो काम का बारे में
कार्रवाई इनको क्या है कि नौवीं तक तो सरकार का आलो है कि उनको पास करना मारना पीटना नहीं धीरे से समझाना पढ़ाना लिखाना। अरे वादा करो ये घर से क्यों नहीं काय भी रहे हो बिराना की बात सुन जाओ मत। हाँ कह दे रहे वो घर में झगड़ा लगा रहे हो वो बनाजी की बात तुम सर अरे निकाल ले तो मैं डोबरी मोड़ी ना खूंगा सुखद आपको नहीं जा सही बात देखो हाँ जा ही रहे हाँ कह दे रहे तुमका हाँ पच्चीस जला लिया उन्हें की वो देखो वो मानी जाओ महाराज जैसी भाई तुमका जिंदा नहीं मिलने की अरे तो गया नहीं तो तुमका फल ना खा काम यहाँ का यहाँ यहाँ भी सब कुछ का छोड़ा है देखो मानी जाओ सही बात अरे तो वाइटा करो इतनी गेरी ना हाँ गेरी नहीं मैं गेर रहता हूँ राखी लूँगा नहीं भाई यार देखो हेरा राखी रही हूँ अरे हवलदार अरे ओए हेलो हवलदार मजाक मजाक में घर ही मोड़ी दी होगी अरे साहब जी है क्या घर पे साहब जी है ना सही में हाँ अंदर एक काम करो साहब जी को बुलाओ साहब जी को हाँ बोलना एक महिला आई है हेलो साहब जी को बोलना एक महिला आई है हवलदार जी सर मैं बाहर किससे बातें कर रहा अरे महिला या महिला महिला आई है अबे मैं इंस्पेक्टर हूँ तू मेरा हवलदार है मेरे को बोलता है कि महिला महिला अबे तेरे को खाने का सोच के तो तू मन के लाना अरे महिला यो बाहर बुला रहे हैं तुमको अरे हवलदार क्या बात है साहब जी को बोलिए लेडीज आई है लेडीज साहब जी हवलदार मैं बाहर किससे बातें कर रहा है अरे लेडीज आई है लेडीज अबे थाने में गेंडी कहाँ से आ गई हवलदार झाड़ू मार दे किसी गरीब की बकरी भगा गई होगी अरे भगवान हवलदार क्या बात है अरे मजाक हो रहा बोले के औरत आई है औरत साहब जी क्या हो गया औरत आई है औरत लेंडी और आ गई अबे तेरे को बोला ना झाड़ू मार दे अरे औरत आई है औरत औरत आई है हाँ हवलदार अरे बाहर तो खड़ा होके कर क्या रहा है ड्यूटी सही से नहीं बना बेटा ने तो तनख्वाह नहीं दूंगा तेरे को अरे ड्यूटी पे सही तो कर रहा हूँ और कैसी क्या हवलदार क्या बात अरे बोलिए साड़ी पहन के एक भाई आई है ऐसी कर दो तू भी हम भी कहीं कहीं उजा वो हो रहा तो यार रात बतावा हवलदार जी साहब बाहर क्या कर रहा है तू अरे एक भाई आई तेरी माई भाई आई अरे साड़ी पहन रही है कि तेरी माई भाई आई है भाई आई है भाई वहाँ रिपोर्ट का बोला है कि रिपोर्ट दर्ज करवाने मेरे को रिपोर्ट हाँ अभी एक काम कर हाँ अगर भाई आई है ना तू पगले उसको बाहर खड़ी करके रख अंदर भेज ना तू बाहर पूरी ड्यूटी करना अंदर भेज दो साहब जी है कि नहीं बोला जाओ दरवाजा खोल दिया साहब जी अंदर ज बैठे ले तुम आ जाओ साहब जी क्या बात है अरे नमस्ते साहब जी नमस्ते नमस्ते ये काम करो नहीं क्या अंदर आ जाओ अरे मैं नहीं अरे मैं रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ रिपोर्ट लिखवाने अरे हाँ हवलदार क्या बात है भाई रिपोर्ट लिखवाने आई है बाहर पूरी ड्यूटी करना किसको अंदर आने मत देना अरे ड्यूटी में करा साहब चाय लाओगे चाय अबे तू बाहर बीच में कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है साहब जी हाँ अरे मेरी मुसीबत को समझो अरे मैं बहुत मजबूर हूँ बहुत मजबूर हूँ अरे हाँ अरे मेरे पति ने मुझे बहुत मारी तुम्हारे पति ने तुमको बहुत मारी अरे हाँ मेरी बात सुनो क्या ये कानून कायदे एक एक बाल के नौ नौ फाग होते तुमको एक एक बात का खुला खुला जवाब देना पड़ेगा कानून एक एक बाल के नौ नौ फाग करके सवाल पूछती है बिल्कुल बराबर साहब जी पूरा पूरा जवाब देना पड़ेगा पूरा पूरा जवाब दूंगी ऐसा क्या है हाँ तो फिर कार्रवाई में चालू रखता हूँ चलो रिपोर्ट लिखवाओ मेरे पति ने हाँ मुझे मारी तुम्हारे पति ने तुमको मारी हाँ तो तुम यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आ गई हाँ मैं कहीं का दूसरा मारता फिर अरे साहब जी अरे उसने बहुत मारी शराब पी के मारी अरे हाँ अरे अभी 12 बजे रात को 12 बजे रात को मारी हाँ साहब जी अच्छा तुम्हारे पति ने शराब पी के मारी हाँ 12 बजे रात को 12 बजे रात को बच्चे कहाँ गए थे बच्चे भी होंगे तुम्हारे हाँ हाँ साहब जी मेरे दो बच्चे हैं दो बच्चे हाँ बच्चे सो गए थे बच्चे सो गए थे तभी तो उसका दांव फंस गया 12 बजे अच्छा तुमको 12 बजे रात को मारी तुमको कैसे मालूम कि 12 बज रही थी साहब जी मैंने टाइम देखा घड़ी में तो 12 बज रही थी अच्छा मतलब तुम्हारे पे मार पड़ रहा था ना तुम घड़ी देख रही थी नहीं नहीं साहब जी उन्होंने है ना
लड़ाई करी? हाँ बहुत मारी। कैसे मारी? अरे डंडे से मारी। डंडा कितना बड़ा था? अरे डंडा बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा डंडा? हाँ। अच्छा चलो, तुम्हारे पति ने तुमको शराब पी के मारी? हाँ। डंडे से मारी? हाँ। अच्छा तुम्हारा कोई गवाहदार भी है? नहीं साहब जी, गवाहदार को रहने दो। एक काम कीजिए, आप मेरे पति को बुलाती हूँ मैं। पति को? हाँ, उसे फांसी की सजा देना। बिल्कुल, तुम पति का नाम बताओ, उसको मैं भी बुलवाता हूँ थाने में। मेरे पति का नाम? हाँ। मानक। मानक हवलदार? उलझी मानव को अपनी गिरफ्त में करो ना। अच्छा, दो तीन घंटे रिमांड पर लो उसको। अच्छा जाता हूँ मैं गाड़ी में, पेट्रोल का पैसा लिए मैं पानी डाल लेना उसमें। अरे साहब पानी से क्या गाड़ी चलती है क्या? मैं उसको गिरफ्त में गिरफ्तार करके लाऊं मानव को। मानव हाँ जी साहब, क्या बात है? भाई को मारना चाहिए, अपने को मारना था तूने सर। क्या है? अरे गुबड़िया ने तो। अरे उठते इधर बात कर, भाई को मारना है। क्या बात है साहब? अरे इतनी अच्छी भाई को तू मारता क्यों है शराब पी के? क्या जी, बच्चे को उनने मारा साहब जी। चलो बहुत बेकार आदमी है वो, तो मैं सब समझ गया हूँ। तुम्हारा कोई गवाहदार है कि नहीं, कोई सबूत वबूत नहीं तो तुमको फांसी की सजा हो जाएगी बेटा। बिल्कुल बराबर दीजिए फांसी की सजा। हाँ तो अदालत सभी सबूतों एवं गवाहों पे मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि दफा तहत 203 के तहत मुलजिम, क्या नाम बताया आपके पति का? मानक। मानक को अदालत फांसी का हुक्म देती है, कैश डिस्चार्ज। अरे साहब जी, अरे नहीं नहीं, अरे रुक जाओ। अरे फांसी की सजा मुझे दे दो। बाप रे, अभी तो फांसी अखाने वाली रही थी। अरे नहीं साहब जी, अरे मेरे पति है वो, तो उन्हें छोड़ दो। नहीं साहब जी, देखो फांसी मेरे को दे दो। बाप रे, पहले तुम डिस्कशन करो फांसी दूर किसको। काम करो इनको मत फांसी दो, फांसी मेरे को दे दो तो। अरे मैंने साहब जी, अरे फांसी मुझे दो। हजार 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 ये काम करो, तुम घर जाओ, फांसी मैं लग जाता हूँ। हेलो। हाँ तो देखिए, ऐसे हमारे माता बहने भी बैठी है, उन्हीं को मैं एक प्यारी प्यारी गरबी सुनाती हूँ।
बहुत शानदार प्रस्तुति। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करें। सेंधवाल की टीम और सालई की टीम के सभी कलाकारों को मैं मान और चंडी देवी धाम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार मानता हूं और निवेदन करता हूं कि आने वाले वर्षों में भी इसी प्रकार से हमको सहयोग देंगे। इसी के साथ ही साथ मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एवं जिन्होंने भी हमें सहयोग दिया है दर्शकों सहित, मैं सभी का आभार मानते हुए धन्यवाद देता हूँ। मान और चंडी देवी धाम की ओर से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कल पुनः अपन मिलेंगे और उसमें केलगांव और जलगांव की टीमें आपके सामने जोरदार प्रस्तुतियां देंगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे क्या बोल रहा है?